हेलो फूडीज, फूडी दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इजी एंड टेस्टी रबड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप घर पर प्योर एंड टेस्टी रबड़ी का मजा उठा सकते हैं। जो भी अपैरेटस एंड इंग्रेडिएंट्स इस वीडियो में यूज हुए हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आधा लीटर मिल्क लेंगे जो कि होता है अराउंड 2 कप के बराबर। तो हम वो दूध लेके एक पैन में या कढ़ाई में डाल लेंगे। अब हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना सैफरन मिल्क तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच यानी कि 15 ml दूध लिया है, उसमें हमने 5 से 6 स्ट्रिंग सैफरन के डाल दिए हैं। अब चम्मच से हम इसे थोड़ा सा घोल देंगे और फिर इसे साइड में रख देंगे। अब देखिए दूध में उबाल आ गया है, हमें जो इसकी क्रीम बार बार ऊपर आएगी, मलाई ऊपर जमेगी, उसको साइड करना है। हमें मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते रहना है और इसे हर थोड़ी देर में साइड करते रहना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम इलायची पाउडर बना लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी इलायची लेंगे, मैंने 10 ली हैं। इनको पहले थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, उसके बाद इनके जो दाने हैं उन्हें निकालेंगे और उनको क्रश कर लेंगे। जब हम इनके दानों को क्रश करेंगे उससे बहुत ही अच्छा इलायची पाउडर हमारे पास बनके तैयार होगा। और जो छिलके बचेंगे फ्रेंड्स, आप उसे चाय में डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा इलायची पाउडर तैयार है, इसको हमने बॉइलिंग मिल्क में डाल दिया है। हम इसे मिक्स कर देंगे और जो मलाई आती रहेगी इसे थोड़ा थोड़ा साइड में हम लगाते जाएंगे और इसको चलाते रहेंगे हल्का हल्का। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब बूरा या क्रश्ड शुगर को डाल देंगे और उसके बाद उसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारी वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। आप फूडी दीक्षा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा सैफरन मिल्क जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था। यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको दूध से मसाला पनीर बनाने की रेसिपी देखनी है तो उसकी लिंक इस वीडियो के एंड में आएगी, आप वहां से उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसे बॉयल लगातार कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसका मतलब नियरली हमारी रबड़ी तैयार होने वाली है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और चलाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपको रबड़ी के साथ खाने के लिए जलेबी बनानी है तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के एंड में, आप उस पर क्लिक करके उस रेसिपी देख सकते हैं। अब हम इसे क्रश्ड पिस्ता से गार्निश करेंगे, आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको जलेबी की रेसिपी देखनी है तो आप राइट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको पनीर की रेसिपी देखनी है तो आप लेफ्ट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।